संध्या मैम, नोवार्टिस के बाद अगली क्वेरी। सर मुझे विप्रो के लिए पूछना है, मेरे पास 870 शेयर हैं 550 की खरीद के, तो सर विप्रो पूछ वो रहे हो आप? जी सॉरी, कम अगेन, आपने विप्रो बोला ना? जी सर हाँ, किस भाव पे है मैम, फिर से बोलो। मैंने मेरे पास 870 शेयर है 550 की खरीद के हैं सर। 870 है, 550 की खरीद। कब? हाँ तो सर पुरानी खरीद है ना। पहली चीज तो कल मेरे आपके पास तो पुराना रखा है, रिकॉर्ड डेट पे इसका मतलब माल होगा। पहले तो बायबैक में सरेंडर कर देना मैम। खैर, गौरांग सर ज्यादा अच्छा बताएंगे आपको। गौरांग सर, ये विप्रो रखा हुआ है मैम के पास, 870 शेयर 550 की खरीद, और खड़ा है इस समय 385 पर, 165 रुपए पर शेयर का लॉस। क्या करूं? देखिए संध्या जी, ये कमजोर कड़ी है आईटी क्षेत्र में दिग्गज शेयरों की अगर हम बात करें तो। जैसे अभी आप आशीष जी भी बता रहे थे, बायबैक को लेकर के अगर कुछ गतिविधि आती है या फिर आपको टेंडर करने का मौका मिलता है बायबैक में, मुझे नहीं पता समय सीमा अभी भी है कि नहीं बायबैक की, लेकिन अगर है तो आप टेंडर कर सकते, जो गए शेयर उसके पैसे आपको आ जाएंगे और जो नहीं जाते हैं वो आपके डिमैट अकाउंट में वापस आ जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा परेशान कर सकता है आपको, लेकिन इस स्तर पे मैं बेचने की राय नहीं दूंगा। बायबैक में आप ट्राई कीजिए कितने शेयर टेंडर होते हैं, बाकी अन्य में बने रहे और ऊपर की तरफ के रुझान आता है तब उसमें से निकलने की कोशिश कीजिएगा। बाय बाय, कल खुल रहा है, थर्सडे तक, अगले थर्सडे तक खुला रहेगा। 445 रुपए पे टेंडर रूट के जरिए सरेंडर कर सकते हैं वो लोग जिनके पास 16 जून को शेयर थे, वो रिकॉर्ड डेट थी। ITDC हाँ इंडियन टू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ तो 50 शेयर्स है, 312 पे लिया हुआ है। तो उसके लिए मैं थोड़ा आउटलुक चाहती हूँ या टर्म मिडिल टर्म व्यू चाहती हूँ। 300। ये ITDC क्यों लिया? ग्लोबल हेल्थ तो समझ में आया, मेदांता लिया था हॉस्पिटल्स में, ITDC पे क्यों लगाया था? लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कॉल वॉल था क्या कोलकाता में? उसने अभी अभी लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया था, उसका मार्जिन भी बहुत अच्छा था, इसीलिए इसको ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था। 3 to 4 month व्यू था इसको। ITDC ये है इनके रडार पे भाई। 312 पे लिया है, 337 पे, तो ट्रेडिंग के लिए लिया था। तो कुछ टारगेट वारगेट बनाया था क्या, कितना लक्ष्य होगा, या सिर्फ 3-4 महीने में हाँ अगर तेजी आ गई तो निकाल दूंगी ऐसा सोचा था? नहीं, हमने इसका 352 का टारगेट लिया था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, और ये बुल रन में कुछ ज्यादा नहीं गया आफ्टर रिजल्ट, हाँ इसीलिए इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी। हाँ कंफ्यूजन होना भी चाहिए, सही बात है। अच्छे नंबर्स के बाद वो अब ऐसा कोई मोमेंटम पकड़ा नहीं, पस्त रहा, कहाँ मार्केट्स पहुंच गए, और ये स्टॉक अभी भी दायरे में फंसा हुआ है। गौरांग सर, ऐसे स्टॉक में किया क्या जाए? लिया ट्रेडिंग के हिसाब से था, 25 रुपए मुनाफा अभी भी हो रहा है स्क्रीन पे, क्या करूं? हिंदी में एक कहावत होती है आशीष, भागते हुए भूत की लंगोट भली। तो और वैशाली मैम, देखिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। मैं अक्सर ये राय देता हूँ निवेशकों को, शेयर मार्केट एक जोखिम से भरा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन जोखिम चारों तरफ से आता है, स्थानीय में आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आता है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है और अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है और थोड़ा परेशान हो रहे हैं मैम आप, तो यहाँ से आप अपना निवेश निकाल सकते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। विकल्प अगर आप हमें पूछते हैं तो मेरी राय में सीमेंट क्षेत्र की एक कंपनी है जो मेरे ख्याल से 215 या 220 के आसपास चल रही है, नाम है सागर सीमेंट। आप चाहे तो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, एक छोटी मझौली सीमेंट क्षेत्र की कंपनी है, काफी अच्छी इसकी इसके नतीजे आए थे मैडम, और मुझे लग रहा है कि एक सक्षम कंपनी है। अन्यथा और एक विकल्प अगर आपको मैं सरकारी बैंकों में से देना चाहूं तो आपके ही जो निवेश है ITDC में, उसके आसपास कैनरा बैंक का स्टॉक चल रहा है 305 310 के आसपास, आप चाहे तो ये दोनों में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। चलिए भाई, धोती आपके हाथ में, उसी को एंजॉय करिए मैम, और चाहे तो स्विच कर लीजिए जो पिक्स गौरांग सर कह रहे हैं उनकी तरफ। तो मेरा सवाल था ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड पर,
जिसका मैंने 50 शेयर्स लिया था, तो 30 शेयर्स में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो मैंने 439 पे लिया था शेयर, अभी 20 शेयर है। लॉन्ग टर्म व्यू में इस शेयर की आउटलुक चाहती हूँ, क्योंकि इसकी डाटा बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या करना चाहिए, कितने दिन तक होल्ड किया जाए इस शेयर को लॉन्ग टर्म? ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ये बताओ, आप पहले तो आज स्कूल नहीं है क्या? नहीं, आज छुट्टी लिया है। हाँ अरे वाह, हमारे लिए? अरे हाँ वाह। अच्छा भाई, गौरांग सर, पोशाली मैम ने ग्लोबल हेल्थ लिया, मुनाफा बांध लिया, बचे 20 शेयर रखे हुए हैं, वो भी बढ़िया नीट मुनाफा कमा के दे रहे हैं। रखे रहूं क्या? देखिए, यहाँ पर भी आशीष, अगर आपको लग रहा है कि आपका मुनाफा आपको मिल रहा है तो मुनाफा समेटना चाहिए। शेयर बाजार में लालच बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, ये अक्सर हम कहते हैं। और ये कंपनी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी है आशीष, स्पेसिफिक कवरेज नहीं है। लेकिन मैडम, अगर मुनाफा समेटते हैं और अगर ये पूंजी फिर से निवेश करनी है मैम आपको, और आप इसी हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर में निवेश करना चाहती हैं, तो हॉस्पिटल्स रिलेटेड 3 कंपनियां हमारी कवरेज में। पहली है अपोलो हॉस्पिटल, दूसरी है नारायण हृदयालया, और तीसरी है फोर्टिस हेल्थ केयर। और अगर आपको यहाँ से निकल करके कोई अलग क्षेत्र में निवेश करना है, तो मेरी राय में बैंकिंग सेक्टर एक बेहतरीन विकल्प होगा मैम। और वहां पर आप एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, तीनों में से कोई भी दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक पसंद कर सकती है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मैम, हॉस्पिटल में क्या पसंद आता है वो भी, और एल्स सबसे प्रेफर्ड पॉकेट कौन सी है शायद इस समय? गौरांग सर, ग्लोबल हेल्थ मान लिया, मुनाफा बांधा, कौन सा एक बैंक जहां पे सारा पैसा ले जाऊं, मतलब स्टॉक में? स्वाभाविक है, निवेश करेंगे आप आशीष, तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक एक बेहतर विकल्प है। अच्छा संध्या मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, मेरा पहला सवाल नोवार्टिस इंडिया के लिए है। मेरे पास 300 शेयर हैं 710 की खरीद के, तो मैं इसे रखूं के सेल कर दूं, और ऊपर कितना जाएगा सर? या सवाल तो दिखाई, डॉक्टर साहब स्टॉक ही दिखा दीजिए कम से कम, बातें करते करते। मैम, हमने लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग वीडिंग का मन था? लिया है ऊपर छोड़िए, हालांकि ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, लंबी अवधि के लिए लिया था क्या? हाँ, लंबी अवधि के लिए लिया था। मैं 100 शेयर सेल करना चाह रही थी, तो प्रॉफिट ले लूँ या रखूँ अभी, ये ऊपर जाएगा? ठीक है गौरांग सर, 200 है, हर शेयर पे 130 रुपए का मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए? नोवार्टिस पे आप लोग का हाउस कॉल क्या है? क्या ऐसा करूं 100 शेयर मुनाफा बांध लूं, 100 रखे रहूं, या कुछ और रणनीति रखूं? देखिए आशीष, जब भी कोई निवेश करता है शेयर बाजार में, तो स्वाभाविक है मुनाफा कमाने के लिए निवेश करता है, नुकसान झेलने के लिए नहीं करता है। और संध्या जी, अगर आपको 128 रुपया प्रति शेयर जो आपको मिल रहा है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो अनुमान था उसके मुताबिक मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से शेयर बाजार में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई मैंने कितना कमाया मुनाफा वो नहीं देखते, अगले ने कितना मुनाफा कमाया वो देखते हैं, और उससे फिर निराश हो जाते हैं और धराशायी हो जाते हैं। तो निराशा कभी भी शेयर मार्केट में करनी नहीं है, जो भी दिया अच्छा दिया। एज अ डिस्क्लोजर आशीष, इस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस कंपनी को मैंने पढ़ा है, वर्चुअली एक एमएनसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये, और जिस क्षेत्र में ये कामकाज करती है संध्या जी, वो अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन मौके इस कंपनी के पास आएंगे आने वाले भविष्य में, जो कारोबार में जुड़ी हुई है फार्मास्यूटिकल, और जो भी फाइंडिंग्स करती हैं और लॉन्चेस करती हैं उसको लेकर के। तो अगर आप अपनी विचारधारा के हिसाब से कामकाज कीजिए संध्या जी, अगर आपको लगता है कि 128 या 130 रुपये प्रति शेयर मुनाफा मिल रहा है, तो हो सकता है आपको मुनाफा बांध लेना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट मजबूत है और भविष्य काफी उज्ज्वल है। अच्छी बैलेंस शीट, मजबूत, भविष्य उज्जवल, कॉल आपका। लेकिन रखना चाहें 100 शेयर तो रख भी सकते हैं, 200 शेयर रखना चाहें तो आप अपने हिसाब से कॉल ले लीजिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।